A big hello, dear students. Welcome back to my channel. आज शुरू कर रहे हैं हम chapter plus two का unit one electrostatics. तो आज हम discuss करेंगे इसमें electric charges. तो पहले जो नाम है chapter का, name itself is suggesting कि chapter किसके बारे में है. Electro का meaning है charges. Static आप जानते हैं, last year पढ़ा है आपने. Static means जो stationary है. तो चार्जेस एट रेस्ट. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट. सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसने स्टेशनरी चार्जेस को डील करना है. अब जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है उसमें होता क्या है, तो पहले ब्रीफली डिस्कस कर लें. वैसे तो सारा मैटर इंक्लूडिंग यू मी कुछ भी हो, हर एक चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं. न्यूट्रॉन्स आप जानते हैं उस पर कोई चार्ज नहीं होता. तो ओवरऑल सारे मटेरियल जो हैं वो न्यूट्रल ही हैं. फॉर एग्जांपल ये एक अगर पेपर का पीस है या कोई क्लॉथ है, उसमें आप नोटिस करेंगे पॉजिटिव चार्जेस हैं 1, 2, 3, 4, 5. उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी हैं 1, 2, 3, 4, 5. उम्मीद करता हूँ माउस नज़र आ गया होगा, नहीं तो फिर दोबारा दिखाता हूँ. प्लस 1, 2, 3, 4, 5. इस तरह से माइनस 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 नेगेटिव, 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं. सेम वे जो आपको नीचे ब्लैक कलर की रॉड नज़र आ रही है उसमें भी प्लस 5 हैं, 1, 2, 3, 4, 5. नेगेटिव 5 हैं, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, 4 एंड 5. तो टोटल चार्ज रॉड पे भी 0, टोटल चार्ज पेपर पे भी 0. लेकिन जब दोनों को रब करते हैं हम, तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं. तो अभी तो दोनों मटेरियल्स हैं न्यूट्रल. ये एक एबोनाइट रॉड है और दूसरा है पीस ऑफ फर. फर इज़ अ टाइप ऑफ क्लॉथ. दोनों पे इक्वल नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस थे जिसके कारण फर जो थी वो भी न्यूट्रल थी और रॉड भी न्यूट्रल थी. अब दोनों को रब करने पर क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर से, देखिए ज़रा यहाँ पे प्लस 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 उतने ही हैं क्योंकि प्रोटॉन्स नहीं हिलते अपनी जगह से. इलेक्ट्रॉन्स 3 रह गए हैं, 1, 2, 3 ओनली. और इधर इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसके पास हो गया है एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज. तो इस पर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से पूरा पूरा कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा. एज अ रिजल्ट इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और ये जो पीछे फर का पीस है उस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. तो आपने देखा जो प्रोसेस ऑफ चार्जिंग है वो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर. तो इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये समझने के लिए है. आगे चलते हैं. तो अब कुछ वीडियोस हैं जो आपके रूटीन लाइफ से आपको कुछ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग शो करेंगे. डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ करते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स चार्जिंग के प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए. तो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में हम एक यूज करेंगे पेपर और कपीस और 2 यूज करेंगे हम प्लास्टिक के स्ट्रिप्स. पेपर के अगेंस्ट स्ट्रिप को हम रब करेंगे. रब करने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्ट्रिप से ट्रांसफर होंगे पेपर को. तो आइए देखते हैं एक्सपेरिमेंट. तो ये है स्ट्रिप प्लास्टिक की और ये है पीस ऑफ पेपर. इसमें एक हमने होल निकाल के एक टिच बटन इसके अंदर फिट किया है. यहाँ पे एक पिन है वर्टिकल जिसके ऊपर इस स्ट्रिप को हम टिका सकते हैं. और ऐसी एक स्ट्रिप और है अपने पास, तो दोनों स्ट्रिप्स में सेम टाइप का चार्ज लेके आएंगे. इससे स्ट्रिप से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेपर को होंगे ट्रांसफ़र. तो पेपर पे आएगा नेगेटिव चार्ज और स्ट्रिप पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. तो लेट अस कंटिन्यू. तो सबसे पहले हमने पेपर के अगेंस्ट स्ट्रिप को रब कर लिया दोनों तरफ से, दोनों साइड से रब किया. रब करने के बाद हमने स्ट्रिप को माउंट कर दिया एक पिन के ऊपर. एक और स्ट्रिप लिया सिमिलर, उसको भी रब किया. अब देखते हैं पहले स्ट्रिप और स्ट्रिप में कैसा इंटरेक्शन है. तो क्या नोटिस किया आपने,
स्ट्रिप और स्ट्रिप जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल, क्योंकि दोनों पे चार्ज जो है वो सिमिलर टाइप से एक्वायर हुआ, तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन पेपर ने इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर कर लिए, इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए तो पेपर पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव, तो जब पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लाएंगे तो देखते हैं क्या होता है उससे भी, तो अभी ये दोनों कर रहे हैं रिपेल। अब पेपर को लेके आते हैं स्ट्रिप के पास में, देखिए क्या होता है, सी पेपर और स्ट्रिप में नोटिस करिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर। सो रीजन, पेपर ने एक्वायर किया नेगेटिव चार्ज, स्ट्रिप ने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज, तो दोनों में होगा अट्रैक्शन, लेकिन दोनों स्ट्रिप सेम मटेरियल के थे तो उनमें हुआ रिपल्शन। अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो अब ये है दूसरा एक्सपेरिमेंट, इसमें हम रब करेंगे एक प्लास्टिक के पाइप को एक कपड़े के अगेंस्ट, और रब करने से होगा ये चार्ज, और चार्ज होने पे ये एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट जो कि एक कैन है खाली, तो इस पे भी चार्जेस आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स ये कंफर्म्ड है कि प्रोसेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन तभी होगा अगर दोनों पे चार्ज होगा। सो आई मीन टू से इसको हमने चार्ज नहीं किया है, लेकिन फिर भी जब इसको चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आते हैं तो इस पे कुछ इंड्यूस्ड चार्जेस, दोबारा वर्ड में यूज कर रहा हूँ, इंड्यूस्ड चार्जेस इस पे डेवलप हो जाते हैं, तो उसके कारण इन दोनों में होगा अट्रैक्शन। तो लेट अस सी, रब किया, देखिए तो अब एक्सपेरिमेंट नंबर थ्री, इसमें फिर से हम इसको रब कर रहे हैं, रब करके मैं इसको लेके जाऊंगा एक टैप से फ्लोइंग वाटर के पास, जिसको हमने टैप को थोड़ा एडजस्ट कर लिया ताकि जो फ्लो है वो काफी हद तक स्ट्रीमलाइन रहे। तो आइए देखते हैं, तो देखते हैं पानी के फ्लो को क्या होता है, चेक करिए आप। सो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन फ्लोइंग वाटर एंड द पाइप। तो प्रोसेस आपको समझ आ गया, रब करने पे इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी को ट्रांसफ़र होते हैं। तो आज मौसम जो था वो थोड़ा बारिश वाला है, तो ये एक्सपेरिमेंट्स उन्हें उतने सक्सेसफुल नहीं होते, तो मुझे आज क्या करना पड़ा, हेयर ड्रायर लेके ये जो स्ट्रिप थे इनको भी मैंने पूरा अच्छी तरह से गर्म करके पूरा ड्राई आउट किया, और जो पाइप था उसको भी हेयर ड्रायर से मैंने गर्म किया ताकि उस पर कोई मॉइस्चर ना रहे, और जो शर्ट यूज़ हो रही थी उसको प्रेस किया गया ताकि फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा बनी रहे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए एक और नाम है, सिंस द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन्वॉल्व्स फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे एक बॉडी से दूसरी बॉडी को, तो इसलिए इस ब्रांच का एक और नाम है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, समझ गए होंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स चार्जेस एट रेस्ट, दूसरा नाम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जो चार्जिंग का प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन्स का एक मटेरियल से टूट के दूसरे को ट्रांसफ़र होना है उसमें फ्रिक्शन रिक्वायर्ड है। तो ये कुछ और फोटोग्राफ्स मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं, ये एक वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर है जो कि आपने देखा होगा मिस्टर बीन वाले शो में, जिसमें वो बंदा चार्ज हो जाता है, तो इससे चार्ज जो है दोनों गर्ल्स को ट्रांसफ़र हो गया, इन दोनों गर्ल्स के बालों पे सेम चार्ज आ गया, सिमिलर चार्जेस करते हैं रिपेल, तो बाल जो हैं वो रिपल्शन के अंडर खड़े हो जाएंगे। कुछ और ही फोटोग्राफ्स हैं इसी तरह की, यू कैन सी डिपेंड्स के चार्ज कितना आया और बालों का टेक्सचर कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये बाल ऊपर को उठते हैं, सो क्वाइट एंजॉयबल। ये बच्चा जो है इसका इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसने किसी ऐसी चीज़ को टच तो नहीं किया, लेकिन जो फ्रिक्शन थी बिटवीन दिस स्लाइड एंड हिज वियरिंग उसमें जो फ्रिक्शन से इस पे चार्जेस आ गए,
तो चार्ज के कारण बाल बच्चे के खड़े हो गए। इसके अलावा जो फोटो स्टेटअप कराते हैं, जो जेरोक्स का प्रोसेस है, उसमें जो रोलर है वो चार्ज करना पड़ता है कुछ खास एरियाज़ में, तो वो रोलर जो है वो चार्जिंग के थ्रू, जैसे अभी आपने देखा कि जो कैन है वो अट्रैक्ट हो रही थी बाय अ प्लास्टिक पाइप, सिमिलरली जो रोलर है जब वो चार्ज हो जाता है तो वो इंक के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करता है, तो इंक का फिर इम्प्रेशन जो है वो पेपर पे आ जाएगा। और एक बैलून को अगर आप रब करेंगे अपने बालों के अगेंस्ट, लेकिन बाल जो है उसमें तेल नहीं लगा होना चाहिए, ड्राई होने चाहिए, तो आगे गर्मी का मौसम आ रहा है, ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होगा, तो आप खुद करके देख सकते हैं और मैं क्लास में भी कराऊंगा इसको। ये आप सभी ने किया हुआ है, ड्राई हेयर में कॉम को रन करें तो पेपर पीसीस को वो अट्रैक्ट करती है, सेम फिनोमिनन है। और काफ़ी बच्चे आपके साथ ऐसे होंगे तो अभी वो इमिजिएटली उसमें कमेंट कर सकते हैं जो आपका ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है। सो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको कभी ना कभी कार से करंट लगा है, तो वो अपना आंसर जो है या तो कमेंट बॉक्स में यस करिए अगर वीडियो जो है उसका प्रीमियर ख़त्म हो गया है, अदरवाइज़ अभी कमेंट कर सकते हैं बच्चे। तो कार से करंट लगने का कारण, कार जो है नंबर वन एयर में मूव करेगी जब, तो एयर के अगेंस्ट कार जब रब होगी तो इस पर चार्जिंग का प्रोसेस रहता है। कार के अंदर बैठे हुए हम भी सीट पे इधर उधर हिलते हैं, उससे भी चार्ज आ जाते हैं, और कार के टायर्स और जो रोड में फ्रिक्शन है उसके कारण भी चार्जेस आते हैं। तो इस कारण से कार जो है वो बाकी बाद में डिस्कस करेंगे, सारा चार्ज जो है वो आउटर बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है, अंदर करंट नहीं लगेगा, लेकिन जब बाहर उतरोगे तब करंट कार से लग सकता है। चलिए अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी से, तो कार जैसा ही केस है, सिचुएशन वही है। एरोप्लेन, एरोप्लेन की जो बॉडी है वो कार के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, तो एरोप्लेन भी कार की तरह ही चार्ज एक्वायर करता है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे और आंसर भी नोट करना है आप लोगों ने। ऑर्डिनरी रबर जो है वो इंसुलेटर है, टायर्स रबर के बने हुए हैं लेकिन इंसुलेटर है, तो टायर्स को जो है उसमें थोड़ा सा कुछ ऑल्ट्रेशन हमें करके, कुछ कंडक्टिंग मटेरियल उसके अंदर डाल के एयरक्राफ्ट के टायर्स को हमें कंडक्टिंग बनाना पड़ता है। सो क्वेश्चन इज व्हाई इज दिस नेसेसरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में एक बार आ चुका है। तो आंसर क्या है कि अगर जैसे कार से आप उतरे, करंट लग गया, लेकिन वो करंट था थोड़ा सा, कहीं ऐसा ना हो कि एरोप्लेन की बॉडी में बहुत बड़ा चार्ज होगा, तो जिस तरह से जो बंदा कार से उतरता है उसको करंट लगता है, जो बंदा इधर पहले उतरेगा उसको एक बहुत बड़ा करंट लगेगा, तो कहीं वो बंदा शहीद ही ना हो जाए, फिर सारे डरेंगे कि मैं नहीं उतरता पहले, कोई और उतरो, क्योंकि जो सबसे पहले उतरेगा उसके थ्रू एरोप्लेन का सारा चार्ज जो है वो ग्राउंड को ट्रांसफ़र होने वाला है। तो हमें चार्ज को ट्रांसफ़र करना है थ्रू द टायर्स, ना कि बंदा ट्रांसफ़र करना है, तो समझ गए होंगे। तो आंसर इज टू एनेबल देम टू कंडक्ट, जो टायर्स हैं वो चार्ज को कंडक्ट कर दें, जो कि फ्रिक्शन से प्रोड्यूस हुआ, और ये इलेक्ट्रिसिटी जो है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और उससे स्पार्क भी हो सकता है, प्लेन में आग लग सकती है, बंदे की डेथ हो सकती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि एरोप्लेन के जो टायर्स हैं उनको कंडक्टिंग बनाया जाता है। उसी तरह क्वेश्चन एक और है एनसीईआरटी से ही, ये क्वेश्चन है अबाउट ट्रक्स, वो ट्रक्स जो कैरी करते हैं इनफ्लेमेबल्स, जिसमें एलपीजी गैस लेके जाते हैं, तो नोटिस करिए यहाँ पे पीछे कुछ ना हैंगिंग है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, वही क्वेश्चन है। व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल्स यूजली हैव अ मेटालिक रोप विच इज़ टचिंग टू द ग्राउंड ड्यूरिंग मोशन, वाई, सेम रीज़न है, इसमें टायर्स कनेक्टिंग नहीं है तो हमने चार्ज को ग्राउंड करने के लिए पीछे एक मेटल का पीस लगा दिया, एक मेटल की रोप लगा दी, जो कि ट्रक के मोशन को भी ऑब्स्ट्रक्ट ना करे और नीचे टच होते हुए जो भी थोड़ा बहुत चार्ज इसकी बॉडी एक्वायर करेगी, कारण वही है एयर का फ्रिक्शन, टायर्स और ग्राउंड में फ्रिक्शन, उसके कारण चार्जेस आते हैं। तो ये एक और केस है, ये देखिए यहाँ पे एक वायर है जो नीचे टच हो रही है, आई थिंक समझ गए होंगे। तो आंसर सेम है,
तो चार्ज जो है डेवलप होगा बॉडी ऑफ द ट्रक पे ड्यू टू फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड एयर, फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड द टायर्स। तो उस चार्ज के कारण अगर छोटा सा भी स्पार्क हुआ, किचन में आप गैस जलाते हो ना, तो गैस जलाने के लिए छोटा सा स्पार्क काफ़ी है, तो ये भी एलपीजी गैस है, तो इसमें भी थोड़ा सा स्पार्क ही काफ़ी है, पूरे ट्रक को आग लग जाएगी और ये बॉम्ब का शेप ले लेगा। तो उसको बचाने के लिए हमें ये जो मेटल का पीस है नीचे अटैच करना है। आई थिंक आइडिया समझ आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन और आंसर दोनों नोट करने हैं, पीछे वाला ये वाला भी। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है उसको डिफाइन करना हो कि चार्ज होता क्या है, तो वेरी सिंपल, जिस तरह से हर चीज़ की मास होती है, जैसे आप मैं सबका कुछ ना कुछ मास है कि हम कितने किलो के हैं, उसी तरह से जो चार्ज है वो भी एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हम सब में हैं, हाँ उसके कारण ऐसा है कि अगर तो वो पूरे पूरे आपस में मैच हो जाते हैं, उनका नंबर पूरा पूरा जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स अगर बन जाते हैं, तो उस केस में टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा ज़ीरो। लेकिन अगर ये चार्जेस जो हैं अनबैलेंस्ड हैं, उस केस में जो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो चुका है, तो ये प्रॉपर्टी है मैटर की जिसके कारण ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब इनको हम इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, तो नाम इकट्ठा लिख देते हैं इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो ये बाद में डिस्कस होगा, आगे चैप्टर आएगा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। एक मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में भी मुड़ता है, उस पर इफेक्ट आता है, फोर्स लगती है, डेविएट होता है चार्ज। सो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। वीडियो को पॉज करके डेफिनेशन को नोट करना है। अब है कि चार्ज के प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो इसको मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस करूंगा और ये सारी प्रॉपर्टीज आपने नोट डाउन भी करनी है। तो सबसे पहले ये तो आप सभी को पता है कि चार्जेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये भी आप जानते हैं कि सिमिलर चार्जेस लाइक चार्जेस जो हैं दे रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, आपने वीडियो में देख भी लिया है। इसके अलावा आप जो और पॉइंट्स हैं, चार्ज जो है ना वो स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन नहीं होती, प्लस माइनस साइन जरूर है उनका, लेकिन चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी के लिए आप जानते हैं जो चीज़ तो होती है बेटा वेक्टर, उसमें आपको वेक्टर एडिशन अप्लाई करनी पड़ती है, जैसे फोर्सेस को ऐड करना है, मोमेंटम को ऐड करना है, तो वेक्टर्स यूज़ करने हैं। लेकिन चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो चार्जेस को ऐड करने के लिए हम वेक्टर एडिशन नहीं यूज़ करेंगे, इसमें यूज़ होगा अलजब्रिक एडिशन। तो अगला पॉइंट, चार्जेस आर अलजब्रिकली एडिटिव इन नेचर। तो चार्ज का जो एस आई यूनिट है वो है कूलम, शॉर्ट में सी लिख देते हैं, कूलम साइंटिस्ट का नाम है। तो अगर किसी बॉक्स के अंदर या किसी ऑब्जेक्ट पे चार्जेस हैं 2 कूलम पॉजिटिव, 5 कूलम पॉजिटिव एंड 3 कूलम नेगेटिव, तो पूछेंगे उस पर टोटल चार्ज क्या है, तो इनको जस्ट आप अलजब्रिकली ऐड करिए, यानी प्लस वाले को प्लस में, 7 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 कूलम, यानी आपको कहीं भी कोई वेक्टर ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है चार्जेस को ऐड करने के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। ये टर्म आपने थोड़ी सी केमिस्ट्री में पढ़ रखी है। क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है अगर किसी ऑब्जेक्ट की, किसी क्वांटिटी की, किसी फिजिकल वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ ही अलाउड हों, उस केस में हम उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड। जैसे क्लास का अटेंडेंस, क्लास में अगर बच्चे 3 आए, 5 आए, 45 आए, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना वो इंटीग्रल नंबर ही हो सकता है। तो क्लास में अटेंडेंस जो है, जैसे आपके स्कूल में एक अटेंडेंस बोर्ड लगा होता है, वहाँ पे अटेंडेंस मार्क होती है, बच्चों की सीरियल नंबर लिखा होता है, क्लास 6th, 7th है, ये वो, इसके आगे लिखे होते हैं बॉयज़, गर्ल्स, प्रेजेंट एब्सेंट। वहाँ पे आपने नोटिस किया होगा जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो एक होल नंबर में आता है, ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आज क्लास में 44.3 बच्चे आए, इम्पॉसिबल है। इस तरह से अगर आप दूध लेने जाते हो, तो
तो दूध का पैकेट या तो एक मिलेगा या दो मिलेंगे। एक पैकेट में अगर आधा लीटर है तो आप ले सकते हो हाफ लीटर, आप ले सकते हो वन लीटर, आप ले सकते हो 1.5 लीटर। बट आप बोलो कि मुझे तो 200 ml चाहिए दूध, वो नहीं मिल पाएगा अगर पैकेट्स की फॉर्म में है। तो पैकेट्स में दूध की क्वांटिटी जो है वो क्वांटाइज्ड है, बात समझ गए होंगे। इसी तरह से अगर एक लैडर लगा हो, लैडर लगा हो और लैडर जो है उस पर एक मंकी ने चढ़ना है, लैडर समझ गए, जिसमें बीच में डंडे से लगे होते हैं, दो बैम्बू के पीस होते हैं साइडों में, उस पर मंकी या तो यहाँ हो सकता है या ऊपर हो सकता है या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, बीच में नहीं हो सकता। तो मंकी की जो हाइट्स हैं वो भी क्वांटाइज्ड हो गई। तो चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड का मीनिंग समझ गए होंगे कि चार्ज की भी कुछ खास खास वैल्यूज़ ही अलाउड हैं, इसलिए बोलेंगे चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ में यानी स्पेसिफिक वैल्यूज़ में ही एग्जिस्ट करते हैं, कंटिन्यूस अमाउंट्स जो हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज़ अलाउड नहीं हैं। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, जो बेसिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, मैंने बोला ना कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे, अगर बेटा इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई लिख लेते, वैसे वैल्यू इसकी होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हम ई लिखें, ऑफ कोर्स माइनस साइन लगाना पड़ेगा साथ में, तो अगर हमने जो बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए फ्रॉम पेपर, फ्रॉम स्ट्रिप टू पेपर, अभी स्ट्रिप्स रब की थी ना हमने, स्ट्रिप से पेपर को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हुए तो पेपर पे चार्ज आ गया −10e, और जो स्ट्रिप जो लूज़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थी उस पे चार्ज आएगा +10e। वेरी सिंपल, जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ किए, स्ट्रिप ने लूज़ किए, तो स्ट्रिप पे 10 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो उस पे चार्ज आएगा +10e, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज तो पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन्स पड़े हैं इलेक्ट्रॉन निकल गए, और जो पेपर है उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए 10, तो उस पे चार्ज आएगा −10e। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि चार्ज की जो वैल्यू है, जैसे मास को लिखते हो m, चार्ज को लिखना है q, तो चार्ज की जो वैल्यू है q वो e × 10, जैसे अभी 10 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए, 10e, प्लस भी हो सकता है, स्ट्रिप ने 10 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उस पे चार्ज आ गया +10e, और जो पेपर ने 10 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए उस पे चार्ज आ गया −10e। वेयर एन कैन बी 1, 2, 3, 4, 10, कुछ भी हो सकता है लेकिन इंटीजर होगा। तो दोबारा फिर, चार्ज इज़ क्वांटाइज्ड का मीनिंग है कि चार्ज की जो वैल्यूज़ हैं नेचर में वो एग्जिस्ट कर सकती हैं इन सम डिस्क्रीट वैल्यूज़, स्पेसिफिक वैल्यूज़, कंटिन्यूस नहीं हो सकता। तो वो खास खास वैल्यूज़ कौन सी हैं, वो ई के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, यानी चार्ज को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसको हमने यहाँ पे ई मेंशन किया हुआ है। वैसे ये चार्ज आपको याद नहीं करना, जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बोर्ड एग्जाम में तो ये सारी वैल्यूज वहाँ पे दी होती हैं, लेकिन ये इतनी बार आप यूज़ कर चुके होंगे तब तक कि आपको ये वैसे याद हो जाएगा। केमिस्ट्री में आपने ऑलरेडी लिख चुके हैं ये वाली वैल्यू। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, साइन नेगेटिव, इतना ही चार्ज होता है प्रोटॉन पे, लेकिन बस साइन जो है वो प्लस हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड मींस किसी भी प्रोसेस में, किसी भी फिजिकल प्रोसेस में, जैसे हम पेपर को रब कर रहे थे स्ट्रिप के साथ, प्लास्टिक पाइप को कब रब कर रहे थे क्लॉथिंग के साथ, तो उन सभी प्रोसेस में जो टोटल चार्ज है, इनको मैं फिजिकल प्रोसेस कह रहा हूँ, कोई केमिकल रिएक्शन हो उसमें भी चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। तो कंजर्व्ड आपने वर्ड 11th में कई बार यूज़ कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड सो ऑन। तो कंजर्व्ड का मीनिंग है कि टोटल वैल्यू कॉन्स्टेंट रहती है, एक से चार्ज निकल के दूसरे को ट्रांसफ़र हो सकता है, नो डाउट, लेकिन जैसे अभी आपने वो पीछे प्रोसेस ऑफ रबिंग देखा, पहले इस पे भी चार्ज बेटा जीरो था, इस पे भी जीरो था, रब करने के बाद इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो इस पे चार्ज आ गया 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए,
इस पे चार्ज आया प्लस टू ई, इसने दो गेन किए, इस पे चार्ज माइनस टू ई, प्लस टू ई माइनस टू ई का टोटल करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो। पहले भी ज़ीरो था बेटा, अब भी ज़ीरो है। तो जब टोटल वैल्यू किसी फिजिकल वेरिएबल की जितनी पहले थी उतनी बाद में भी रहे तो उसको क्या बोलते हैं, तो चार्ज को हमने बोलना है कि चार्ज इज कंजर्व। एंड लास्टली प्रॉपर्टी नंबर 7, तो यहाँ लिख दिया गया है द अलजेब्रिक सम ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। याद होगा हमने प्लस वन में जब पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसमें भी यही बात आई थी कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए, उस केस में टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर, आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि बाहर से कोई चार्ज ऐड या सब्ट्रैक्ट ना हो जाए, उस केस में टोटल चार्ज जो है वो कंजर्व रहेगा। अब लास्ट प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी जो है वैसे हमें यूज़ नहीं करनी है कहीं भी फिजिक्स में, लेकिन प्रॉपर्टी है तो लिखनी तो पड़ेगी। तो इसमें क्या इशू है कि एक रिलेटिविस्टिक थ्योरी है गिवन बाय आइंस्टीन। थ्योरी ये है कि जब कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के पास पहुंचता है, रूटीन में ऐसा नहीं होगा, इट इज़ सो कॉल्ड रेलिवेंट फॉर न्यूक्लियर स्टडीज़ ओनली, जब कोई चार्ज जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट एक्वायर कर लेगा या उससे कम स्पीड पे होगा, थोड़ा बहुत लेट अस से हाफ ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर 1/3 या 10% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट पे अगर कोई चार्ज पहुंच गया तो उसका मास चेंज हो जाता है। वो थोड़ा सा पढ़ेंगे हम ब्रीफली मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में, मास बदलेगा जब स्पीड जो है वो नियर टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी, लेकिन चार्ज स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, तो इट डजंट चेंज विद वेलोसिटी और स्पीड। इसलिए इसका जो प्रॉपर्टी है वो है स्पीड इनवेरिएंट। वेरिएंट यानी वेरिएबल जो चेंज हो जाए, इनवेरिएंट जो चेंज ना हो। तो ये प्रॉपर्टी हमें खैर फिजिक्स में कहीं यूज़ नहीं करनी इस साल प्लस टू में। वैसे आपको जब प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी जरूर पता होनी चाहिए। तो वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स पहले नोट करेंगे। इसके बाद आ रहा है आपके लिए क्वेश्चन एक, तो क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में ही सेंड करेंगे या जो ग्रुप बना हुआ आपका उसमें डालते हैं। तो लेट अस सी, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है 3 spheres X, Y एंड Z सिमिलर है कि नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पे। उन पे चार्जेस हैं 10 coulomb, -10 coulomb एंड +10 coulomb। When they are brought in contact, तीनों स्पीयर्स को कॉन्टेक्ट में लेके आए, तो फाइनल चार्जेस ऑन X एंड Y, ईच वर्ड ध्यान से पढ़ लेना, X और Y दोनों पे चार्ज जो है वो 3 coulomb का हो गया। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइनल चार्ज ऑन जेड। तो आपने जेड पे चार्ज निकालना है। आजकल जो ज़माना है वो शुरू हो गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं। तो आपके पास हैं 4 choices, 3 coulomb, 2 coulomb, 4 coulomb एंड 5 coulomb। तो क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी मैं क्वेश्चन को ओपन छोड़ता हूँ। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, दूसरों के काम का है, शेयर करिए, और अगर आपने कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको अपडेट्स अपने आप आते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आंसर जो है अभी ओपन एंडेड है, सो लेट अस वेट, आप सॉल्व करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।